हेलो एवरीवन, रिविट आर्किटेक्चर बेसिक टू एडवांस फुल ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। और ये है आपकी सेकंड वीडियो इस ट्यूटोरियल सीरीज की हिंदी में। फर्स्ट वीडियो में हमने आर्किटेक्चर का इंट्रोडक्शन प्लस लेवल, जो मेन बहुत मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, और कुछ वर्किंग विंडोज़ के बारे में हमने सीखा था। वो आप इसकी प्लेलिस्ट में चैनल के अंदर जाके सर्च कर सकते हैं कि टेम्पलेट क्या होता है, सब डिस्कस कर चुके हैं। अब न्यू पे जाते हैं और आर्किटेक्चर टेम्पलेट में हम इसको ओपन कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक एक चीज़ करके हम डिटेल में जानेंगे। लास्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़, प्रोजेक्ट ब्राउज़र और ये डायरेक्शंस के बारे में जान चुके हैं। अब हमें एक एक एलिमेंट्स को जानना है। जैसे कि फर्स्ट दिया हुआ है आपका, फर्स्ट टैब है आर्किटेक्चर और उसके अंदर आता है वॉल। जैसे हम वॉल पे क्लिक करते हैं तो वॉल से रिलेटेड उसको मॉडिफाई करने के लिए टूल्स आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें किसी भी एलिमेंट को आप क्लिक करोगे तो उसके एडिटिंग के टूल्स आ जाएंगे, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी, ये टूल्स आ गए, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ आ गए, और ये वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने वॉल पे क्लिक किया और यहाँ पे सेलेक्ट है 200 mm थिकनेस की वॉल। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की वॉल हैं, देखिए अलग अलग थिकनेस, और देखिए कर्टेन वॉल, एक्सटीरियर ग्लेजिंग, स्टोर फ्रंट और डिफरेंट टाइप की है। जो अभी 200 mm की है वॉल, उसी को हम रहने देते हैं। और जब हमने वॉल पे क्लिक किया था तो वॉल बनाने के लिए हमारा कर्सर रेडी था। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ 20,000, यानी कि 20 मीटर की वॉल। एस्केप बटन दबाता हूँ, एक वॉल बन चुकी है। दोबारा से वॉल लेते हैं और वॉल यहाँ पे प्यार से जूम करके यहाँ पे क्लिक करते हैं सेंटर पे, और वॉल को हम एक्सटेंड करते हैं। उसी तरह से हम इसको एक्सटेंड करते हुए अपना एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया, स्केप बटन दबाया और ये है। तो ये हमारी डायरेक्शन के ऊपर प्लान पे हमने बनाया। अगर इसे हम नॉर्थ से देखते हैं तो इस तरह से दिखाई देगा, साउथ से देखते हैं तो इस तरह से दिखाई देगा, और अगर आप 3D में देखना चाहते हो तो इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरह से हमने बनाया। अब इसमें थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समझनी ज़रूरी हैं। जैसे कि मैं नॉर्थ से देखता हूँ तो हमारे पास जो डिफाइन थे लेवल, डिफ़ॉल्ट थे, वो 4 मीटर की ज़ीरो लेवल और 4 मीटर की हाइट पर एक दूसरा लेवल था, यानी कि हम एक स्टोरी की फ्लोर बना सकते थे, लेकिन ये बन गया है हमारा डबल। ऐसा क्यों? तो दोबारा मैं प्लान लेवल 1 पे जाता हूँ या लेवल 2 पे जाते हैं। देखिए जब मैंने वॉल सेलेक्ट की तो यहाँ पे आ रहा था डिफ़ॉल्ट 8 मीटर, इसलिए हमारी 8 मीटर की वॉल बनी। अगर मैं 4 मीटर डालता तो 4 मीटर तक की ही वॉल बनती, लेकिन अब बन गई है। इसको ठीक करना कैसे करना है देखिए, मैं 3D पे गया। अच्छा एक चीज़ और देखिए, अभी लेवल 2 पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वॉल को मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है, और लेवल 1 पे मैं जब गया तो वॉल को मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब मैंने 3D में इसको माउस के कर्सर से ड्रैग करके सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे एक आ रहा है फ़िल्टर ऑप्शन, और यहाँ पे फ़िल्टर पे ओके करके वॉल सेलेक्ट है, इसको ओके कर लिया, और यहाँ पे अनकनेक्टेड, इसे अनकनेक्टेड कर दिया लेवल 2 से। देखिए अब ये लेवल 1 की वॉल बन चुकी है, ठीक है। अब मैं लेवल 2 पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए वॉल दिखाई दे रही है पर सेलेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि लेवल 2 पे कोई वॉल ही नहीं है, लेकिन लेवल 1 पर सेलेक्ट करता हूँ तो वॉल है, ठीक है। एक बार 3D व्यू ये देख लेते हैं, ठीक है, ये है हमारी वॉल। तो प्लान में जाते हैं और दोबारा से वॉल के अंदर और भी चीज़ें देखते हैं। जैसे कि मैंने एक वॉल ये बनाई, ठीक है, अब मैं इस वॉल को ऐसे बिल्कुल इसके साथ अलाइन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक बटन है आपका अलाइन, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे ये स्ट्रिप सेलेक्ट की और फिर इसके कॉर्नर पर देखिए इससे अलाइन हो गई है ना। तो इस तरह से अलाइन कर सकते हैं, इसी तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं ऑफसेट। यहाँ पे क्लिक किया और 1 मीटर पहले से डला हुआ इसी को रहने देते हैं, और किसी भी वॉल पे क्लिक करोगे या 2 मीटर कर देते हैं, और किसी भी वॉल पे क्लिक करोगे तो 2 मीटर का ऑफसेट पे एक और वॉल बन जाएगी। सिंपल ऑटो कैड की तरह, जैसे कि देखिए ऑफसेट, मिरर, कट पेस्ट, कॉपी, रोटेट, स्प्लिट, इस तरह के आइकॉन हैं जिनको हम एक एक को हम समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मुझे एक वॉल चाहिए 230 mm की, तो मैं इसी वॉल को, वो पैसे से पहले वॉल पे क्लिक किया, ये वॉल 200 mm की, इसी को एडिट करूँगा और यहाँ स्ट्रक्चर में जाके मैं यहाँ पे थिकनेस को एडिट कर लूँगा। पर ऐसे करना नहीं चाहिए,
ठीक है, हम डुप्लीकेट बना देते हैं क्योंकि डिफॉल्ट जो इसके अंदर सेटिंग 200 mm की बेसिक वॉल है उसको वैसे ही रहने देते हैं, अपनी एक वॉल बना लेते हैं डुप्लीकेट जिसका टाइटल डालते हैं 230 mm, ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर में जाके इसकी थिकनेस डाल देते हैं 230 mm। ओके, अब यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये रही 230 की, और हमने ये वॉल लेने के बाद हम बना सकते हैं यहाँ से ईजिली ये रहा। तो हम ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे। अब 3D व्यू देख लेते हैं इसका, ये देखिए देखिए ये जो वॉल बनी है ये भी 8 मीटर की, क्योंकि हमने बनाते हुए यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया था, तो उसको भी क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं, फिल्टर करते हैं, ओके करते हैं, या यहाँ पे हम डाल देते हैं वैल्यू 4 मीटर। देखिए 4 मीटर हो गई, ठीक है। अब प्लान में दोबारा से जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जब कुछ चीज़ मेज़र करते हैं, जैसे डिस्टेंस में मेज़र कर रहा हूँ इन दोनों के बीच की 2 मीटर, लेकिन ये डिस्टेंस ले कहाँ से रहा है, सेंटर टू सेंटर लाइन। अगर मैं इनर लाइन चाहिए तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आते हैं कि वॉल के सेंटर, वॉल के फेस से लेना है हमें 1800, क्योंकि 100 100 mm, 200 200 mm की 100 100 mm का सेंटर था यहाँ से। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं सेंटर टू फेस टू कोर, जहाँ से भी लेना है क्लिक करेंगे तो इस तरह से डायमेंशंस ले सकते हैं, एंगल मेजर कर सकते हैं। ये देखिए सेंटर टू सेंटर करना था वो भी कर सकते हैं। अच्छा, जब वॉल में हम जाते हैं तो और भी तरह की वॉल आती है कि हम रेक्टेंगल वॉल डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, हम एक पॉलीगन वॉल ड्रॉ कर सकते हैं, हम एक सर्कुलर वॉल ड्रॉ कर सकते हैं। वो टच हो रही थी आपस में इसलिए एरर आ गया था दोबारा। वो एक हम सर्कुलर वॉल ड्रॉ कर सकते हैं, एक हम आर्क वॉल ड्रॉ कर सकते हैं। ये समझिए आप ऑटो कैड में ये सारे ऑप्शन थे ना आपके लाइन लाइन कमांड से, वो ही हैं, लेकिन उससे केवल एक 3D भी बन रहा है साथ के साथ में, और डबल लाइन वाला ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, इस तरह से। अब इसको 3D में देख लेते हैं, ये देखिए इसी तरह से यहाँ पे ये मिरर का है, ये आपका ड्रॉ एक्सिस का है, मैंने एक्सिस ड्रॉ कर दिया ये, तो देखिए वहाँ पे उस एक्सिस के अपोजिट साइड में ही बन गया है। तो इस तरह से हमारे वॉल के अंदर के ये सारे टूल्स हैं, छोटे छोटे टूल्स हैं, कट पेस्ट करना, जॉइन करना, जैसे कि हमने दो वॉल्स को सिलेक्ट किया, नॉर्मल कर्सर लेते हैं दोनों को सिलेक्ट। तो ये आपका है बेसिक वॉल्स के बारे में, तो और नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे। अच्छी लगी ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं 10 मिनट से ऊपर की वीडियो नहीं बना सकता, उसकी कुछ वजह है, टाइम की कमी है, और जितना 10 मिनट में हो सकता है मैं उतना बताया है। और आपके हेल्प हुई हो कोई भी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी वेबसाइट और मेरा चैनल देखिए, मेरा चैनल ये है, और इसमें आप देख सकते हैं हर तरह के सॉफ्टवेयर के, सिविल इंजीनियर से रिलेटेड सभी के ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और आप मेरी वेबसाइट www.engineersforcivil.com पर भी लॉग जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे सभी सिविल से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स के, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी ट्यूटोरियल सीरीज़ प्ले हो जाएगी। उसी तरह से आप ये गेट के लिए कुछ या बुक्स ख़रीदना चाहते हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड यहाँ पे, तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे रिविट आर्किटेक्चर ट्यूटोरियल डे फर्स्ट है ये, और सेकंड अभी आने वाला है, तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ ये जो आपके ऊपर यहाँ पे एड्स आ रहे हैं यहाँ पे एक बार ज़रूर क्लिक कर दिएगा, जिससे मुझे कुछ बेनिफिट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सभी तरह के ट्यूटोरियल, ये ई टैब्स का है, ये मेट लैब का है, ये ऑटो कैड का है, तो आप किसी भी ट्यूटोरियल को यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें फ्यूचर्स वीडियो के लिए, जिससे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उन वीडियो को देख सकें। हो सकता है कि रिविट आर्किटेक्चर आपको की ना ज़रूरत हो, लेकिन किसी और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हो, तो इसलिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।